इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वायरस को दिल्ली में महामारी घोषित किया गया और 31 मार्च तक दिल्ली में सभी सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे। इसके अलावा जिन स्कूलों में कॉलेजों में परीक्षाएं नहीं है उन स्कूल और कॉलेजेस को भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने की पूरी तैयारी है और हर वो कदम जिसके चलते कोरोना वायरस को फैलने से दिल्ली में बचाया जा सके। आपको बता दें दिल्ली में कई मामले सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के और इस सबके बीच दिल्ली में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया गया। आगे कुछ निर्णय लिए गए हैं, एक तो ये कि सभी सिनेमा हॉल्स 31 मार्च तक के लिए बंद किए जा रहे हैं। सभी स्कूल्स और कॉलेजेस जहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं है, जो एग्ज़ाम्स हैं बस वो चलते रहेंगे, बाकी सभी स्कूल्स और कॉलेजेस 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जो क्वारंटाइन करने के लिए सफिशेंट बेड्स हम लोगों के पास हैं, मतलब अगर किसी को आइसोलेशन में रखना है, क्वारंटाइन करना है, तो उसके लिए सफिशिएंट बेड्स का इंतजाम किया गया है। उसमें जो हमारे दुसिब के खाली फ्लैट्स पड़े हुए हैं वहाँ इंतजाम किया जा रहा है। जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल्स थे जैसे बुराड़ी वगैरह में, वहाँ पे भी हम क्वारंटाइन करने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। इसके अलावा 500 से ज़्यादा बेड्स ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर तैयार हैं, अगर मरीजों को ज़रूरत पड़ेगी उतने मरीज एडमिट करने की तो उनको एडमिट करने के लिए भी तैयार हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक, दिल्ली में कई मामले सामने आ चुके हैं और अब हर वो कदम दिल्ली सरकार की तरफ से ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। जी, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए एलजी ने एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग 4 बजे की थी जिसमें अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और तीनों नगर निगमों के कमिश्नर भी पहुंचे थे। और जैसी मीटिंग खत्म हुई अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे पहले तो इसे दिल्ली में महामारी घोषित कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस वायरस को बढ़ने से रोका जा सके। साथ साथ उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक सिनेमाघर बंद रहेंगे, दिल्ली के जितने भी सिनेमाघर हैं उन सबको बंद करने के लिए कहा गया है। और स्कूल कॉलेजेस जिसमें एग्जाम नहीं चल रहे हैं, हालांकि अभी कुछ स्कूल ऐसे हैं कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें एग्जाम चल रहे हैं लेकिन जिसमें नहीं है या बाद में होने, उन सभी को बंद कर दिया गया है 31 मार्च तक। और लोगों से अपील की जा रही है कि वो भीड़ वाले इलाके में बिल्कुल ना जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी दफ्तर हैं, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो चाहे प्राइवेट दफ्तर हो, उन सभी को ये आदेश दिए जाएंगे, निर्देश दिए जाएंगे कि उनको सैनिटाइज करना है, अपनी पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करना पड़ेगा, एक एक कोने को सैनिटाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 31 मार्च तक के लिए फिलहाल ये आदेश दिए गए कि स्कूल कॉलेजेस और सिनेमाघर तमाम ये चीजें जो है वो बंद रहेंगी। और सीधे अब आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी के मध्य प्रदेश दफ्तर तक उन्हें जाना है। इस बीच फूलों की वर्षा हो रही है, उन्हें माला पहनाया जा रहा है, बीजेपी का अंगवस्त्र पहनाकर उनका जबरदस्त अभिनंदन बीजेपी के कार्यकर्ता करते दिख रहे हैं। सियासी संग्राम बीते दिनों जो चल रहा है वो अभी तक मध्य प्रदेश में जारी है। सरकार क्या रहेगी कमलनाथ की या फिर जाएगी, इस पर संशय बरकरार। लेकिन इस बीच राज्यसभा जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बीजेपी के सोर्सेस लगातार कंफर्म कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज हैं, उनके पास हम जाएं, लेकिन उससे पहले ये दोनों तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर जब वो एयरपोर्ट पर उतरे और उसके बाद कैसे वो लोगों का अभिनंदन हर्षपूर्ण स्वीकार करते हुए मालाएं लोगों से खुद अपना हाथ बढ़ा बढ़ा के मांगते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत दूरी पर हैं उन तक पहुंच पाना भीड़ इतनी ज़्यादा आसान नहीं है।